तो आज हम प्रश्नावली चार को पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली चार को। तो इस अध्याय के प्रश्नावली चार का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरणों के विभेदा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? हमें विभेदा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, तो हम पहला प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वर्ग माइनस 4x+2=0। ये पहला प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे हल करने के लिए क्या कहा है? विभेदा ज्ञात करने के लिए कहा है। आगे मैं बताऊंगा ये विभेदा क्या होता है। पहले हम इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो ये समीकरण एक है, यहाँ पे लिखो समीकरण x²-4x+2 की तुलना मानक समीकरण ax²+bx+c से करने पर। हम तुलना क्यों करते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में x x है, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? तो यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, a बस लिखो, वन मत लिखो, क्या? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक समीकरण है। तो a बराबर, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक्स के साथ गुणा है एक का, तो यहाँ से एक निकल गया। यहाँ पे ये चर राशि, हमें चर राशि को नहीं लेना है, हमें ये राशि लेना है b। तो b यहाँ पे इसके साथ गुणा है, और इसके साथ क्या गुणा है, एक्स के साथ -4, तो यहाँ पे -4 निकला। c के साथ कुछ भी गुणा नहीं, c को पूरा निकाल लो और 2 को भी पूरा निकाल लो। तो इस तरह से a b और c का मान प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र लगाते हैं, हमें ज्ञात करने के लिए कहा है विभेदक। विभेदक ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र उपयोग करेंगे, इसे दो नामों से जाना जाता है। एक तो इसे आप विभेदक के नाम से जानते हैं उस सूत्र को, और दूसरा है विव्यक्तिकर के नाम से भी जानते हो। इस तरह से ये दोनों नाम एक ही है, और इसके लिए जो हम सूत्र उपयोग करेंगे वो होगा d=b²-4ac। ठीक है, क्या सूत्र उपयोग करेंगे? b²-4ac। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे विभेदक निकालने के लिए। हर प्रश्न में, जितने भी प्रश्न है उसमें विभेदक पूछा जाएगा, तो आपको यही सूत्र लगाना है। तो चलो इस सूत्र को लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखो d बराबर, b का मान क्या है भाई, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे -4 और इसका वर्ग दिया हुआ है, फिर माइनस यहाँ पे 4 गुणित a का मान देखो कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 2 है। इस तरह से लगा देना है आपको। यहाँ पे 4 चौक 16, और यहाँ पे वर्ग में है, इसका मतलब क्या होगा, चिन्ह जो है वो प्लस में आएगा। इसके बाद माइनस, ये हो गया 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया 16-8, घटा दो तो घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस में 8 प्राप्त हो जाएगा, और यही क्या है, इसका आंसर है। देखो इस तरह से आपको बनाने हैं। चलो पहला समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा से समझना। दूसरा प्रश्न क्या है, x-1 दिया हुआ है, 2x-1=0। पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये एक समीकरण के रूप में चाहिए, तो गुणा करो। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, फिर x इसको भी गुणा करेगा, तो यहाँ पे माइनस है तो ये x हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस का गुणा हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो एक साथ कर दो, यहाँ पे हटा दो इसको, ये माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक क्या हो जाएगा, प्लस एक प्राप्त होगा। इस तरह से 0, यहाँ पे 2x का वर्ग, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, +1=0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे किससे, मानक समीकरण से। तो यहाँ पे तुलना कर दो समीकरण एक की। ठीक है, समीकरण एक क्या है, 2x²-3x+1 की तुलना मानक समीकरण ax²+bx+c से करने पर। यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गया था ना, तो यहाँ पे एक को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे चर राशि क्या है, एक्स चर है, यहाँ भी चर राशि है, ठीक है। तो इस चर राशि के साथ गुणा कौन है, ए, तो यहाँ पे ए निकल गया, ठीक है। ए बस लिखो, यहाँ पे हर बार मैं वन लिख लेता हूँ, इससे पिछले वाले जो प्रश्न है उसमें ए वन ए टू निकाले थे ना, इसलिए यहाँ पे बार बार हाथ उसी में बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए वन इस प्रकार से लिखते जा रहा था मैं, ठीक है। इसे हम सिर्फ ए लिखेंगे, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखो इसके साथ दो का गुणा है, मतलब दो निकल जाएगा। एक्स वाले में देखो ये दोनों एक्स एक्स है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और बी से यहाँ पे -3 निकल जाएगा। यहाँ पे सी पूरा और एक को आपको क्या करना है, पूरा इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम विभेदक के सूत्र लगा देते हैं। आपको पता है विभेदक और विभक्तिकर दोनों एक है, तो सूत्र क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी बराबर b² - 4ac, इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप विभेदक भी लिख लेना और विभक्तिकर भी लिख लेना। मानों को रख देते हैं, तो b का मान क्या, देखो -3 है और यहाँ पे वर्ग लगा है तो वर्ग कर देंगे, फिर -4, a का मान देखो कितना है, 2 है, और c का मान कितना दिया है भाई, 1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3 * 9, और ये वर्ग है मतलब 2 घात है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये प्लस में आएगा, फिर माइनस, ये हो जाएगा 4 * 2 = 8 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को घटा दो, कितना प्राप्त होगा, घटाओगे तो 1 प्राप्त होगा, और यही क्या है इसका आंसर है। देखो ये भी निकल गया आसानी से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न को आप कैसे हल करोगे। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है, ये तीसरा प्रश्न जो है ना, ये आप लोग बहुत कठिन समझते हो ऐसे प्रश्नों को। क्यों समझते हो भाई ऐसे प्रश्नों को कठिन, यहाँ पे वर्गमूल दिया है इसलिए आप क्या सोचते हो कि ये बहुत कठिन होगा। नहीं, सबसे आसान प्रश्न तो यही रहता है, वर्गमूल के अंदर होने का मतलब ये है कि ये आसानी से हल हो सकता है, लेकिन हम वर्गमूल वाले को प्रश्नों को हल करना नहीं जानते हैं, इसलिए हम इसे कठिन समझते हैं ना। तो चलो इसको भी हम आपको दिखाते हैं कैसे हल करना है। इसकी भी तुलना हम किससे करेंगे, मानक समीकरण से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ए वन का मान, ए का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे एक्स के साथ मतलब एक्स के वर्ग के साथ किसका गुणा है, √3 का, तो √3 निकल गया। बी यहाँ से क्या निकलेगा, 2, √2 निकलेगा, और सी का मान क्या निकलेगा, -2, √3 निकलेगा। इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, आप लोग क्या करना है, इससे पहले दो प्रश्नों में लिखा था समीकरण करके, उसी तरह से तुलना करके आप उसके बाद इस तरह से मान को आपको निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट एकदम नहीं करना है। चलो अब यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, डी बराबर b² - 4ac। बी स्क्वायर का मान कितना है, तो 2 √2, इसका वर्ग दिया है -4। इसके बाद ए का मान देखो √3 है, और फिर सी का मान देखो -2 √3 है, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे ये कैसे हल होगा, तो आप सभी को पता होगा वर्ग का मतलब 2 का 2 बार गुणा, मतलब ये 4 हो जाएगा, और ये √2 का भी 2 बार गुणा होगा, तो आधा करनी है, ठीक है। कोई भी मान करनी के अंदर में रहता है वो हमेशा आधा होता है, अगर उसके ऊपर वर्ग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा बन जाएगा, तो ये बन गया √2, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 2 √2, इसका गुणा 2 √2 से हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये नंबर है और ये नंबर है, मतलब करनी के बाहर है, तो इन दोनों को गुणा करोगे कितना प्राप्त होगा, 2 × 2 = 4 होगा, और ये आधा है, देखो ये आधा है, ये आधा, आधा आधा को गुणा करोगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा, तो गुणा का निशान है तो गुणातीत होगा ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इस तरह से, तो ये 4 × 2 इस प्रकार से बना है। चलो अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 1 और 2 दो बार माइनस है, मतलब ये प्लस में प्राप्त होगा हमें मान, यहाँ पे 4 और ये 2 करनी के बाहर है दोनों, तो गुणा कर दोगे कितना हो गया, ये हो जाएगा 8, और ये आधा करनी और आधा करनी 3, क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है, पूरा 3, और ये गुणा हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे आ गया 4 × 2 = 8 प्लस 8 * 3 = 24, यहाँ पे प्राप्त हो गया। दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा, 32, यहाँ पे मान प्राप्त तो हो रहा है इस तरह से। देखो तीसरा भी बन गया, अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज करेगा, इसलिए चलो इसको भी बता देते हैं। एक्स वर्ग
फोर एक्स प्लस ए बराबर जीरो। यहाँ भी ए का मान कितना निकलेगा, फिर वन लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम ए बस लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे एक निकलेगा, बी का मान यहाँ से माइनस चार और सी का मान यहाँ पे ए प्राप्त होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको इससे पहले वाले जो दो प्रश्न में हमने किया ना, पहला और दूसरा में समीकरण लिख के क्या करते थे, इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण ए वन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते थे, उस तरह से लिखना है। उसके बाद ये मान आपको निकालना है, इसके बाद आपको विभक्तिकारक का सूत्र लगा देना है विभेदक ज्ञात करने के लिए। तो विभक्तिकारक का सूत्र क्या है, डी बराबर फोर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस सूत्र का उपयोग करना है। मानों को रख दो, बी का मान कितना है भाई माइनस चार और यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग करना है फोर, ए का मान कितना है एक और सी का मान कितना है ए, इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा सोलह और वर्ग का मतलब ये मान प्लस में आएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर ए हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे फोर ए हो गया और यही क्या है इसका आंसर है। आगे इसको और बनाना चाहो तो इन दोनों को देखो चार है तो चार उभयनिष्ठ निकाल लो, दोनों चार के पहाड़े में आते हैं, ये चार चौक बार में आएगा और चार एक कम तो सिर्फ ए बचेगा, तो ये इसका अगला स्टेप यहाँ तक के भी बन सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेप में आप देख लेना ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न में दिया है एक्स का वर्ग प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो। यहाँ भी निकाल लेते हैं भाई, तो यहाँ से ए बराबर एक, बी बराबर पी और सी बराबर ये क्या है क्यू, इस तरह से आपको निकाल लेना है। सूत्र क्या है, यही सूत्र है ना फोर ए सी। मानों को रख दो, बी का मान यहाँ पे होगा तो ये पी का वर्ग हो जाएगा माइनस फोर, इसके बाद ए का मान देखो एक है और सी का मान देखो क्या है क्यू है, तो यहाँ पे आंसर आ गया पी का वर्ग माइनस फोर क्यू, ये रहा आपका आंसर। देखो इस तरह से यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हुए थे प्रश्नावली एक के एक में, वो सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो प्रश्नावली चार के सभी प्रश्न इस तरह से बनाने हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न क्रमांक दो की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दो में क्या बताना है भाई, प्रश्न क्रमांक दो में बताना है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें मूल की प्रकृति हमें ज्ञात करना है, इसे कैसे हल करना है, तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है एक्स का वर्ग माइनस फोर एक्स प्लस चार बराबर जीरो दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ भी वही हमें सेम करना है। चलो एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, ये मान पूरा लिख लो एक्स वर्ग माइनस फोर एक्स प्लस चार की तुलना मानक समीकरण, आपको हर में करना है ना इसी तरह से। समीकरण क्या है भाई, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, मैं आगे वाले प्रश्नों में नहीं लिखूंगा तो आप लोग ऐसा कर लेना, ठीक है, हर प्रश्न में ये करना ही है आपको। तो यहाँ से ए और ए का मान यहाँ पे एक प्राप्त होगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे एक्स के साथ क्या गुणा है चार, तो यहाँ पे माइनस चार आ जाएगा, यहाँ पे सी अकेला है और यहाँ पे अकेला चार है, तो दोनों को पूरा लिख लेंगे। यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे जो विभक्तिकारक का सूत्र था, तो लगा दो भाई, विभक्तिकारक का सूत्र क्या है, डी था ना, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मानों को रख दो, बी का मान कितना है माइनस चार और इसका वर्ग, फिर चार गुणित ए का मान एक है और सी का मान कितना है चार दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्राप्त हो गया सोलह, क्योंकि यहाँ पे घात दो है तो माइनस में कोई भी मान रहेगा, घात दो होने पर मान प्लस में प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो चार चौक सोलह, ये आ गया सोलह और ये हो गया जीरो, तो डी का जो मान है वो क्या प्राप्त हो गया, देखो डी का मान जीरो प्राप्त हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, अब यही मेन प्रश्न है, इस प्रश्न में यही पूछा है कि मूलों की प्रकृति को हमें बताना है, तो चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। यहाँ पे देखो आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मान डी का मान क्या प्राप्त हो रहा है जीरो,
डी का मान अगर जीरो प्राप्त होता है तो मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा? डी बराबर मान अगर जीरो प्राप्त होता है तो वास्तविक एवं समान, ठीक है, डी का मान जीरो प्राप्त होने पर। डी का मान अगर जीरो के अलावा प्लस में प्राप्त होता है, देखो ये प्लस संख्या वाला रेखा है, डी से जो मान है अगर इस दिशा में जाएगा, ठीक है, इस दिशा में, तो प्लस में प्राप्त हो जाएगा, और इस दिशा में जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस में प्राप्त होगा। तो अगर मान प्लस में प्राप्त होता है तो वास्तविक एवं असमान कहलाएगा इसकी प्रकृति, प्लस संख्या में मान प्राप्त होता है, और अगर माइनस संख्या में प्राप्त होता है तो क्या कहलाएगा? काल्पनिक एवं असमान कहलाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, चलो बस आप इतना जानो। तो यहाँ पे डी का मान क्या प्राप्त हो? जीरो। इसका मतलब इसके मूलों की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पे लिखो मूलों की प्रकृति रीति वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको? वास्तविक एवं समान होगा, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे टोटल जो है 5 प्रश्न दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 5ों प्रश्नों को हल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? हो सकता है जो जो प्रश्न आपको टफ लग सकता है उन प्रश्नों को लगभग लगभग मैं हल कर लेता हूँ, बाकी पूरा प्रश्न बना के देखना, दूसरा प्रश्न आप लोग खुद बना के देखना। ठीक है, दूसरा जो है मुझे देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, तो आप लोग ट्राई करना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पर डायरेक्ट तीसरा में आते हैं, तीसरा हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो देख लेते हैं भाई। ये हो जाएगा एक्स वर्ग है, फिर -2√6x है, फिर +2=0 दिया हुआ है। यहाँ पे a का मान क्या निकलेगा? 3। b का मान देखो माइनस भी आगे में तो 2√6, और c का मान क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। लगा दो भाई सूत्र विव्यक्तिकर का, b² − 4ac, मानों को रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया -2√6 और इसका वर्ग -4 × a का मान कितना है? 3, और c का मान 2 है। हल करो इसको, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे घात सम है, इसका मतलब ये मान प्लस में प्राप्त होगा, तो 2 × 4 हो गया, और आधा करनी छः कितना हो जाएगा? पूरा 6 बन जाएगा इस तरह से। इसको हल करो तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 24, यहाँ पे प्राप्त हो गया 24, और 6 × 4 यहाँ पे कितना होगा? ये भी 24 और ये भी 24, देखो दोनों मान किस में प्राप्त हो रहे? 24। तो इसका मतलब ये है कि डी का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे डी का मान 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है? फिर से मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। डी बराबर जब भी 0 प्राप्त होगा तो वो मान होगा वास्तविक एवं समान होगा। तो आपको क्या लिखना है? मूलों की प्रकृति को आपको लिखना है यहाँ पे, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा या समान है, इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा देख लेते हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए चौथा प्रश्न थोड़ा कठिन हो। तो देखो चौथा क्या है, यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक्स का वर्ग है +2√5 है, एक्स है एक दिया हुआ है। यहाँ पे ए का मान क्या निकलेगा भाई? 1 निकलेगा। बी का मान 2√5 निकलेगा, और सी का मान क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। सूत्र में मान रख दो d = b² − 4ac, विव्यक्तिकर का सूत्र हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 2√5 और इसका वर्ग -4√, यहाँ पे ए का मान 1 है और सी का मान भी 1 है, इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे 2 × 4 हो गया, और ये आधा पाँच पूरा 5 बन गया, ये 4 × 1 = 4 हो गया। यहाँ पे इसको हल करो तो ये आ गया 20 आ गया, 4 × 5 = 6 और ये 4। यहाँ पे इसको घटाओ के कितना प्राप्त होगा? 16। तो डी का मान यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे देखो डी का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है? 16 प्राप्त हो रहा है। तो 16 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कहीं पे गलती ही क्या? ध्यान से देखो, चौथा प्रश्न में एक जगह गलती हुआ है, ठीक है, प्रश्न लिखने में ही गलती हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे ये माइनस में था, तो ये भी क्या होगा? माइनस में होगा, ये वाला मान भी माइनस में आएगा, और ये माइनस क्या होगा? प्लस, ये भी प्लस, और ये कितना हो जाएगा? डी का मान जो है ये 24 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी का मान प्लस में प्राप्त हो रहा है और 24 प्राप्त हो रहा है,
तो आपको अब यहाँ पे क्या लिखना है भाई, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ग्राफ फिर से देखो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डी का मान इस एरिया में प्राप्त होता है, जैसे कि देखो एक दो तीन आगे बढ़ते जाएगा ना ये, तो 24 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक एवं असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक होगा लेकिन उसकी प्रकृति क्या होगी, असमान होगी। अगर मान लो यही मान माइनस में होता, -24, तो काल्पनिक एवं असमान कहलाएगा। समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जिनको आपको जानना है। तो यहाँ पे ये प्लस में प्राप्त हुआ इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं असमान, ठीक है या होगी, इस तरह से आप लिख सकते हो। आपको पता चल गया, चलो आगे देखें। अब अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न में क्या दिया है, 3/5 एक्स का वर्ग -2/3x दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है +1=0। यहाँ पे a का मान क्या निकलेगा, देखो ये वाला मान है तो 3/5, b का मान क्या निकलेगा -2/3, और c का मान यहाँ से 1 निकल जाएगा। यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, d = b² - 4ac। मानों को रख दो भाई, तो ये हो गया -2/3, और यहाँ पे वर्ग -4, गुणित a का मान कितना है 3/5 दिया हुआ है, और गुणित दिया हुआ है यहाँ पे 1 करना है इस तरह से। यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, देखो यहाँ पे वर्ग है मतलब सम में मान है, इसलिए ये मान क्या होगा, प्लस में प्राप्त होगा। ये 4 और 9, -4 × 8 = 12 लिखो, 5 लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हर बराबर नहीं, तो क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं बगल में करता हूँ, नीचे में ये जो 5 है इसका ऊपर नीचे दोनों के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4×5=20, और ये हो जाएगा 9×5=45। इस 9 का ऊपर नीचे दोनों के साथ इस साइड वाले में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 9 कितना होता है, 108, तो यहाँ पे 108 आ गया, और ये हो गया 45। अब इन दोनों में देखो दोनों मान समान है, मतलब लघुत्तम क्या होगा, 45 होगा। यहाँ पे 20 हो गया -108, घटा दो भाई, तो घटाने में कितना प्राप्त होगा, तो 20 घटाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तकरीबन 88 से ज़्यादा होगा, 92, देखो घटा के देख लेते हैं। यहाँ पे प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया, ठीक है, और यहाँ पे है ये 10 है 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो इस तरह से 88 यहाँ पे प्राप्त होगा, ये 45 यहाँ पे प्राप्त होगा, तो 88 45 यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये 88 45 जो है ये इसके मूल जो है वास्तविक है कि काल्पनिक होगा, और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस बड़ा है ना, तो माइनस चिन्ह को भी लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि ये मान किस में प्राप्त हो रहा है, माइनस में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे देखो मैं आपको ग्राफ फिर से दिखाता हूँ, इस बार न तो डी का मान 0 प्राप्त हुआ, न ही प्लस में प्राप्त हुआ, मान किस में प्राप्त हो रहा है, माइनस में प्राप्त हो रहा है, तो ये माइनस वाला सीरीज है, तो काल्पनिक एवं असमान होगा। तो क्या लिखेंगे इसकी प्रकृति, यहाँ पे लिखेंगे मूलों की प्रकृति काल्पनिक एवं असमान है। ठीक, समझ में आ गया, आपको ग्राफ समझ में आया, अगर ग्राफ का उपयोग करते हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया है भाई, देखो प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। अब यहाँ पे दिए गए मूल जो है ना वास्तविक व समान हो कह रहा है यहाँ पे, इसका नियम क्या है मैं आगे बताऊंगा, पहले प्रश्न को देख लेते हैं, k का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है 2x² - यहाँ पे दिया है 10 दिया हुआ है ना, 10x + k = 0। यहाँ भी सेम वही करेंगे, इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, आपको पता है, एक बार मैं कम से कम लिख देता हूँ इसको, समीकरण 2x² - 10x + k की तुलना
मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, एक बार बस मैं लिख रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट फिर हल करेंगे। आपको हर प्रश्न में जब भी बनाओगे आपको इस तरह से लिखना ही होगा। तो यहाँ पे ए से ए का मान प्राप्त हो गया 2। हम कभी भी ये एक्स को नहीं लिखते हैं, ये चर राशि, हमें चर राशि को नहीं लिखना होता है। चर के अलावा देखो इसमें कौन सा राशि बचा है, ये अचर राशि है, ए भी अचर राशि, इन दोनों को लिखते हैं। तो ए बराबर 2 हो गया। यहाँ भी देखो ये भी चर है, ये भी चर है एक्स, तो बचा क्या बी, और यहाँ पे -10, और यहाँ पे देखो ये दोनों अचर है, तो सी बराबर के। इसलिए इस फॉर्म का हम उपयोग करते हैं। कई लोगों के यहाँ पे डाउट होगा, तो यहाँ पे डाउट उनका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मानों को रख देते हैं, वही सूत्र, सूत्र हम चेंज नहीं करेंगे, हम विव्यक्तिकार का ही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे विव्यक्तिकार का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मानों को रख तो जाओ, बी का मान है -10 और इसका वर्ग है, फिर 4 गुणित ए का मान देखो कितना है 2 है, और सी का मान कितना है k है। यहाँ पे घात क्या है 2 है, मतलब ये सम संख्या है, तो मान क्या होगा प्लस में आएगा, 10 का वर्ग मतलब 100, यहाँ पे 4 × 2 = 8 और ये k गुणा होके k हो जाएगा। तो देखो क्या हमें k का मान मिला, नहीं मिला। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे d भी है ना, जब तक के हमारे पास ये d का मान नहीं होगा तब तक के हम k का मान नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो इस प्रश्न में एक चीज कहा है कि मूल जो है वास्तविक होने चाहिए, ठीक है, मतलब मूल जो है वो वास्तविक और समान है कह रहा है। इसका मतलब क्या है, आते हैं फिर से चित्र में, देखो वास्तविक एवं समान होगा तो d का मान कितना रखना चाहिए, 0। समझ में आ गया, इस प्रश्न में कहा है कि मूल वास्तविक है और समान है कह रहा है, तो d के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, 0। तो जहां पे d है उसके स्थान पे हम रखेंगे 0। तो यहाँ पे स्थिति लिख लो, कंडीशन 1, ठीक है, स्थिति फर्स्ट लगाओ और यहाँ पे लिखो d बराबर 0 रखने पर। उसके नियम के तहत ही रख रहे हैं ना, अलग से नहीं रख रहे, अपनी ओर से नहीं रख रहे हैं। जब नियम में खुद का है कि मूल वास्तविक और समान है, मतलब d का मान क्या होगा, 0 होगा, तभी तो होगा ना। तो d का मान यहाँ पे 0 रखने पर, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 100 माइनस 8k। इस 100 को इस साइड ले आते हैं, तो ये 100 इस साइड आ गया, और यहाँ पे क्या है, या एक काम करते हैं ये माइनस में इसको ले आते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 8k बराबर ये होगा 100। इस तरह से 8k इस साइड आके प्लस हो गया, ये 100 हो गया। यहाँ पे हम k बस को रखते हैं, ये 100 अपान यहाँ पे 8 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। अब यहाँ पे कट रहे तो कटा देते हैं, देखो ये 4 के पहाड़े से कट रहा है दोनों, तो 4 के पहाड़े में 2 बार में कट जाएगा, ये 4 के पहाड़े में 4 × 2 और 4 × 5 25 बार में कट गया। तो यहाँ पे k का मान क्या प्राप्त हुआ, देखो k का मान 25 यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, यहीं पे आप ओवर कर सकते हो, आगे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग एक स्टेप और चलते हैं, असमान वाले, ठीक है, वास्तविक और असमान, क्योंकि यहाँ पे जो मान है वो सिर्फ आपसे पूछा है वास्तविक और समान हो तब k का मान कितना आएगा, 25/2 आएगा, ठीक है, पहले स्थिति में। लेकिन हम एक स्थिति और बना लेते हैं, किसके लिए, वास्तविक और असमान के लिए। अगर प्रश्न है दूसरे तरीके से अगर पूछता है तब हम क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्थिति 2, स्थिति दूसरा क्या कर सकते हैं, डी का जो मान है, ठीक है, डी का मान इस बार 0 नहीं रख रहे, लेकिन डी को हम बड़ा बड़ा जरूर कर रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, डी को बड़ा और इस तरह से 0। तो डी का मान अभी 0 नहीं होगा, आपको पता है कि यहाँ पे आप देखो वास्तविक एवं असमान होने पर कभी भी डी का मान 0 नहीं होगा, प्लस नहीं प्राप्त होगा, 1, 2, 3 कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो डी का मान हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस बार डी जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे हम उसी सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे डी के जगह में क्या रखेंगे, देखो डी का मान ये है पूरा, तो रख दो भाई डी का मान, तो ये हो गया 100 - 8k, और यहाँ पे ये निशान है, ठीक है, डी जो है बड़ा है ये कह रहा है, ये जो 8k है उस पार ले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 100, इस तरह से 8k यहाँ पे आ गया। ये जो 8 है इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/8, ये बड़ा और k,
इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के का मान कितना निकलेगा, तो देखो इसको भाग दे दो, वही मान प्राप्त होगा। चार से ये भी कट रहा है दो बार में, चार से ये भी कट रहा है 25 बार में, तो 25 अपान दो और ये रहा के। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, देख लेना यही आंसर है। अब आपके बुक में कुछ आंसर इस प्रकार से भी दिया होगा, के को इस बार पलटा लेंगे तो देखो बड़ा कौन है ये ध्यान देना, 25 बड़ा है ना, तो निशान को इस तरह से भी कर सकते हैं 25 अपान दो। तो देखो यहाँ भी ये कह रहा है 25 के से बड़ा है, के से बड़ा 25 है, इसको भी पढ़ सकते हैं के से बड़ा 25 अपान दो, मतलब जो मान है वो बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको जमा के लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, ये निशान पलट जाएगा, तो आप कहोगे कैसे अचानक पलट गया। ठीक है, पलटा कैसे, पलटा इस प्रकार से कि हमने जैसे इसे जमाया तो क्या होगा, जो बड़ा है उसी के साइड में वो निशान जाएगा। तो देखो मुंह कहाँ पे खुला है, बड़े की ओर, तो बड़ा कौन है, जहां पे मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, तो यहाँ पे 25 अपान दो की ओर मुंह खुला हुआ है, तो 25 अपान दो बड़ा है के से। यहाँ भी देखो यहाँ पे मुंह खुला है, 25 अपान दो बड़ा है किसे, के से। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप बनाते हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा, बस जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना होगा। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न कैसे हल होगा, यहाँ पे मैं दूसरा प्रश्न आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, चलो आप लोग बनाना, तीसरा प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि दूसरा जो है वो सेम टू सेम पहला की तरह मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपसे तो बन जाएगा। तीसरा प्रश्न में थोड़ा सा पीछे में 9/8 दिया है, तो आप लोग बोलोगे कि 9/8 दिया सर कैसे बना है, चलो उसको भी देखते हैं कैसे हल होगा। तो 9x² - kx, फिर यहाँ पे 9/8 है बराबर 0। अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ए का मान यहाँ पे 9, बी का मान -k और सी का मान 9/8। इस तरह से सूत्र लगा दो भाई, अपना सूत्र क्या है, d = b² - 4ac। यहाँ पे बी स्क्वायर का मान रखो तो ये -k का वर्ग रहेगा, फिर 4 का मान 4 जैसा वैसा रहेगा, ए का मान कितना है 9 है और सी का मान कितना है 9/8 है। इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे 4 एकम 4 दूनी ये कट गया, कटा दो भाई। यहाँ पे ये वर्ग में मतलब ये प्लस में प्राप्त होगा के का मान और वर्ग रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस करना है और ये कितना हो गया 9 * 81, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 81 लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दो 81, ये हो गया 81 और नीचे में कितना रहेगा 2 रहेगा और यहाँ पे डी रहेगा। और हल हो रहा है क्या, चेक करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तीसरा प्रश्न गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे गलती है, ये 2 है 9 नहीं है, ठीक है ये 2 है याद रखना। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो ये 4 एकम 4 दूनी 2 एकम 2 एकम ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 9 बचेगा। देखो गलती को भी हमें ध्यान में रखना है, अगर मैं कहीं पे दूसरा मान रखूंगा तो उत्तर गलत आएगा, फिर बाद में कहोगे सर आपने गलत बनाया है, तो भाई हम उसको सुधार ही लेते हैं ना जहाँ पे गलत होगा वो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो यहाँ पे d बराबर मान क्या प्राप्त हो रहा है, k का वर्ग -9। अब हम क्या करने वाले हैं ये मुझे बताओ, क्या करने वाले हैं भाई ऐसी स्थिति में, आपको पता है कि कंडीशन 1 लगाना है, तो यहाँ पे लिखो स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में क्या कहा है कि स्पष्ट प्रश्न में कहा है कि मूल वास्तविक और समान होंगे, तो देखो क्या करना है, वास्तविक एवं समान होने के लिए d का मान कितना रखना है 0, तो यहाँ पे जो d है ना इसके स्थान पे हम रख देंगे 0 रखने पर, तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसके स्थान पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे k² - 9 हो जाएगा। k को हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको इस पार भेज दो, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये k का वर्ग रहेगा, k से हम वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट 9 के ऊपर लग जाएगा और यहाँ पे k अकेला हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि इसे हम प्लस और माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि ये 3 का वर्ग होता है, तो 3 यहाँ से बाहर निकल गया और ये प्लस माइनस को लिखना है और ये के, तो के का मान यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, +-3 यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, ये के का मान कितना प्राप्त हुआ, +-3 प्राप्त हुआ। अब स्थिति 2 लगा के देखते हैं। ठीक है, स्थिति 2 क्यों लगा रहे हैं आपको पता है ना, नहीं पता है चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये मान 0 में नहीं प्राप्त हो रहा है, के का मान संख्या में प्राप्त हो, के का मान तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है तो संख्या में प्राप्त हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, हम वास्तविक मान के लिए निकाल रहे हैं, तो वास्तविक मान अगर असमान हो जाता है तो
तो फिर हम क्या करेंगे? तो वास्तविक मान असमान होने की स्थिति पे स्थिति दो लगाते हैं, तो यहाँ पे स्थिति दो लगा लो, दो। तो इस बार क्या करेंगे, डी जो है बड़ा रहेगा किससे, जीरो से। स्थिति दो का नियम यही है, डी बड़ा रहेगा जीरो से। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ग्राफ, समझना। देखो डी से बड़ा कौन है, डी जीरो है, तो जीरो से बड़ा कौन होगा, एक दो तीन, यह तो होगा है ना, स्वाभाविक है। आप जानते हो कि डी से बड़ा एक दो तीन जो है प्लस में है, वो मान होगा ही होगा। तो डी जो है यहाँ पे, डी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो डी का मान है के स्क्वायर माइनस नौ आ रहा है, ठीक है। तो जीरो जो है वो किससे बड़ा है, सॉरी डी जो है किससे बड़ा है, जीरो से। तो डी का मान यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस नौ, नौ से बड़ा है जीरो। बस हल करना है आपको, तो यहाँ पे के स्क्वायर तो यहीं पे, उसको उस पार ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अंडर रूट हटाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ प्लस माइनस तीन, क्योंकि आगे हमने यही चीज आगे यहाँ पे निकाले हैं, देखो। तो डायरेक्ट आप रख दो, तो के का मान क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस ये। तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। तो देखो चौथा तीसरा प्रश्न भी बन गया, ठीक। अब चौथा और पांचवा दो प्रश्न बचा हुआ है, इनमें से मैं सिर्फ एक प्रश्न बताऊंगा आपको, कोई भी प्रश्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चौथा बता देता हूँ, चलो पांचवा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, दूसरा और पांचवा जो है होमवर्क रहेगा, तो दूसरा पांचवा बना लेना आप लोग। तो यहाँ पे नहीं, चलो मैं आप लोगों के पांचवा बताता हूँ, इसलिए मैं पांचवा बता रहा हूँ क्योंकि के का जो मान है ना एक्स स्क्वायर के साथ इस बार जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग कहेंगे सर दूसरा प्रश्न में के साथ एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ था, आपको उसको बताना चाहिए था, आपने उसको भी नहीं बताया, डायरेक्ट चौथा बता दिया। तो पहला जो है और चौथा प्रश्न एक जैसा है, उसे तो हम लोग बना लेंगे, तो भाई बनाने के तरीके बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। आपको जो डाउट लग रहा है ना, वो डाउट ही मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलो कुछ भी करो हल करने के, अगर मेरे तरीके को सही से फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, याद रखना। यहाँ पे ए का मान के आ जाएगा, बी का मान चार आ जाएगा, सी का मान एक आ जाएगा। सूत्र लगाओ भाई, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे बी का मान क्या होगा, चार का वर्ग फोर, ए का मान कितना है के, और सी का मान कितना है एक। बस मानों को और सही रखना है, यही मेन इंपॉर्टेंट तथ्य है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 16 माइनस ये हो गया चार के हो गया, ठीक है। तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ, देखो इतना प्राप्त हुआ। अब हम स्थिति वन लगाने वाले हैं भाई, देखो यहाँ पे लिखो स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है, पहला कि जो डी का मान है इसको हमें जीरो रखना होता है, रखने पर डी का मान हम जीरो रखेंगे पहले में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक और समान मान के लिए डी का मान जीरो रखना होता है। तो यहाँ पे हम जीरो रख दिए, तो ये मान जीरो हो गया, बराबर यहाँ पे 16 माइनस फोर के हो गया। इस फोर के को इस साइड ले आते हैं, तो ये फोर के बराबर 16 हो गया। अब यहाँ पे के को अकेला करो, तो अभी हमने पक्षांतर विधि यूज किया, अब यहाँ पे क्या है, गुणा है, मतलब तीजा गुणा विधि होगा। तो 16 अपान यहाँ पे चार हो जाएगा, चार एकम चार चौक। कुछ लोगों को ये चीज पता नहीं होगा कि तिरिया गुणा और पक्षांतर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि तिरिया गुणा और पक्षांतर में बहुत अंतर है। पक्षांतर जो होता है वो किसी संख्या के साथ प्लस माइनस में वो जुड़ा हुआ होता है ना, तब होता है, और तिरिया गुणा गुणा के रूप में रहता है तब, गुणा या भाग में। तो देखो यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, माइनस चार के को इस साइड ले आए, तो ये क्या हुआ, इस साइड आके प्लस बन गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं पक्षांतर। और देखो 16 के साथ ये किस फॉर्म में है, घटाने के फॉर्म में है। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब घटाने या जोड़ने के फॉर्म में होता है तब पक्षांतर होता है, लेकिन यहाँ पे देखो किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में। गुणा के फॉर्म में होने पर इस संख्या को मैं हटाऊंगा, तो इसको हम कहते हैं तिरिया गुणा विधि कहते हैं। तो ये ऊपर से कहाँ पे आ गया, 16 के नीचे। तो इस तरह से 16 को चार जो है भाग, 16 को चार जो है भाग कर रहा है, तो चार एकम चार चौक। तो के का मान कितना प्राप्त हुआ, के का मान यहाँ पे चार प्राप्त हुआ, ठीक है। के का मान यहाँ पे अब चार प्राप्त हुआ, मतलब वास्तविक और असमान प्राप्त हो रहा है यहाँ पे के का मान। डी का मान है फिलहाल, तो हम वो चीज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि के का मान चार प्राप्त हुआ, तो हम दूसरा स्थिति लगाएंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्थिति दूसरा। तो डी बड़ा है किससे, जीरो से, ये आपको लगाना है। डी का मान कितना है भाई, देखो रख दो, तो 16 माइनस चार के से, के जो है बड़ा है जीरो से, इस तरह से। तो 16 माइनस चार के को उस पार ले जाओ, तो ये हो गया चार के प्लस में हो गया। यहाँ पे फिर तिरिया गुणा के रूप में ये नीचे आ जाएगा, और ये के, तो यहाँ पे चार एकम चार चौक, तो यहाँ पे चार और ये के।
तो के का मान यहाँ भी 4 प्राप्त हो गया, यही इसका आंसर है। अब इसको जमा के लिखो के को इस पार, तो ये मुंह जो है इस तरह से खुल जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। बचा हुआ जितने भी प्रश्न है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।